Always do it on my own, so I gotta get through it. The only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. So many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. तो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो गाइस, आज हम आ चुके हैं BGMI की फर्स्ट वीडियो लेके, जिसमें कि हम ऑब्वियसली अपना गेम प्ले ही दिखाएंगे, जो कि महा बेकार है। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो हमारा नया गेमिंग के लिए इंट्रो है वो कैसा लगा, और उसके बाद मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो मैंने स्टार्टिंग में छोटा सा मोन्टाज बनाया है वो कैसा है। तो गाइस, बता देना एक बार प्लीज़ कमेंट में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो गाइस, आज हमारा फर्स्ट जो वीडियो है, मैंने कि जैसा कहा पहले, तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो मेरे को करना आता है नहीं कुछ भी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो आपको देख ही रहा होगा, स्कूल जा रहे हैं। तो गाइस, हम स्कूल जाएंगे और वहाँ पे मिलता हूँ मैं आपको, ठीक है? ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बंदा उतर रहा है नीचे और हम भी साथ में ही बस लैंड कर रहे हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो हमने लैंड कर दिया और अब हम यहाँ से इसको मारने के लिए पूरी ट्राई करेंगे। गन तो वैसे भी मुझे मिलेगी नहीं, तो मेरी किस्मत ही ख़राब है, तो आपको पता है। ओ भाई साहब, आते ही M4 मिल गई। मैं मजाक कर रहा था, मेरे को पता है क्या मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो गाइस, अब हमने सोचा कि इस पे रश कर देते हैं बंदे पे, और मैंने कर भी दिया। गाइस, क्या सोचा था मैं मर जाऊँगा? नहीं भाई, इतना भी नूबड़ा नहीं हूँ। तो गाइस, फाइनली अब हमने इसको मार दिया, और जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे बाइजन मिल गई है। और अब हम यहाँ पे थोड़ा लूटते हैं और फिर चलते हैं कहीं और। तो फिलहाल हम आ चुके हैं अपार्टमेंट की तरफ, क्योंकि मुझे यहाँ से थोड़े गन शॉट्स की आवाज़ आ रही थी। उजी चल रही थी यहाँ पे, कोई आई एम नूब का बंदा मार रहा था बहुत सारे बंदे। और वो गाइस मुझे इस घर में मिल जाता है, मतलब इस अपार्टमेंट में मिल जाता है। और जैसे मैं ऊपर पहुँचता हूँ, बंदा नीचे छलांग ही मार देता है। देखो ज़रा, बहुत बदतमीज लड़का था। हमने थोड़ा वेट किया और आने दिया उसको ज़रा, फिर उसको देखो कैसे मजा चखाएंगे। और ये लीजिए भाई, एक HP भी कम नहीं कर पाया भाई मेरी। वैसे बड़े बंदे मार रहा था, अभी एक HP भी कम नहीं कर पाया। तो मुझे बहुत दुख भी हुआ इसका, और बहुत हंसी भी आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदे मारे इसने। अगर मतलब फील्ड की तरफ मैंने बहुत ज़्यादा देखा, और बहुत ज़्यादा बंदे मार रहा था यहाँ पे, मतलब अपार्टमेंट के। वो देखिए सामने, एक और चीज सुंदर मिला मुझे, और मैंने ट्राई किया इसको, रिलोड किया यार, इधर मैं मार सकता था उसको, पता है। फिर मैंने यहाँ से छलांग मारी, और वहाँ पे देखो, इधर देखो, ये देखो। सर शायद उस छिहुंदर के पास जा रहे थे जो उसका टीममेट है, और मैंने यहाँ से पीक लेने की ट्राई की, मतलब मारने की ट्राई की, पर मतलब मैं बहुत प्रो ना, इसलिए मार नहीं पाया। मैंने सोचा स्मोक करके जाता हूँ, पर नहीं रहने दिया। और मैंने देखो डायरेक्ट रश कर दिया बंदे पे, अक्कल देखो मेरी। और ऊपर देखिए, वो मेरा इंतज़ार कर रहा है, देखना अभी। और मैं जान बचा के नीचे पहुंचा, और देखना यहाँ पे क्या होगा मेरे साथ। भाई गोली लगी भी नहीं, कसम से भाई गोली लगी भी नहीं मुझे, मतलब दिखी नहीं, पर खून पीछे से उड़ रहा है। मतलब जो पीछे देखा ना आपने, हवा में खून मतलब उड़ रहा था। पता नहीं क्या है ये, कुछ शायद मेरे पिंग की वजह से है, या फिर जो भी है FPS की वजह से। और अब मैं फाइनली डिसाइड करता हूँ कि अब मैं डायरेक्ट रश करूँगा, पर नहीं कर पाता, देखना।
नहीं मैं मजाक कर रहा था, मैंने रश कर दिया है, पर क्या कहते हैं वो डर तो मन में था ही भाई, M249 है सामने वाले के पास। तो गाइस यहाँ पे कुछ और बंदे भी होते हैं मेन अपार्ट्स में, और मैं अभी यहाँ से जाता हूँ मेन अपार्ट्स में। मैं ज़रा सा बाहर के आया, ये देखिए भाई, इससे पता चलता है मेरा पिंग ही हाई है, बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है मैं बाहर के आया, अब मेन अपार्ट से मुझे शॉट्स बच गए, हालांकि मुझे दिखा, मैंने गन भी निकाली, पर हाँ डर के मारे मैं अंदर आ गया। और यहाँ पर उसको थोड़े से शॉट्स देने की ट्राई, और एक छोटा सा हेड लग गया, और मतलब नॉक कर दिया मैंने उसको। ऐसा भी नहीं है भाई, मैं इतना भी नूबड़ा नहीं हूँ, नॉन जायरो प्लेयर के लिए इतना सा रिकॉयल कंट्रोल करना तो बहुत है भाई, मेरे लिए तो बहुत है, बाकी आपका पता नहीं। यहाँ से नेड करने की ट्राई करते हैं, मरेगा तो कोई नहीं, चलो ट्राई करने में क्या जाता है। अरे नेड फेंक दिए, मरा कोई भी नहीं, और वो रिवाइव भी हो गया, बहुत अच्छे। फिर मैंने सोचा रश करता हूँ, रश ना भी करूँ या फिर करूँ। तो गाइस यहाँ पे वो मौका है नहीं था, ठीक है। तो मैं अंदर आ गया, और हम मतलब मैं और वो दो इतने हरामी बंदे, हमने भाई साहब आधा घंटा हमने यहाँ पे वेट ही किया। देखना 40 अलाइव है ना, तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत टाइम तक मैंने यहाँ पे वेट किया, स्मोक किया, तब तक गाड़ी आ गई और बंदे आ गए यहाँ पे। गाइस बहुत देर तक हमने वेट किया, रश करेगा कोई रश करेगा, और चलो देखते हैं आगे क्या होगा। ओके तो गाइस तब तक साथ वाली बिल्डिंग में जो है बंदे आ जाते हैं, मतलब नीचे वाले अपार्टमेंट में, और यहाँ पे वो नेट बरसाना शुरू कर देते हैं जो छत पे है बंदे उनको, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखता हूँ उनको, और मेरे को लगा कि पीक दूंगा तो वैसे ही मर जाना है, तो मैं पीछे आ गया। और गाइस मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे एक मौली होती है देखना, और वाह मैंने सोचा छत पे हुई है, मैं आगे चला गया और मेरे को लग गई मौली। तो गाइस मैं यहाँ पे हेल्थ करता हूँ फुल, और मैं क्या करता हूँ, नीचे बंदा आ जाता है उस पर रश कर देता हूँ, देखना अभी आएगा बंदा। पहले तो मैं फुल हेल्थ करता हूँ, मतलब बिल्कुल बूस्ट वगैरह, और थोड़ी इंतज़ार, क्योंकि मैं प्रो हूँ ना, इसलिए आपको पता है प्रो बंदे छुप जाते हैं बस पीछे जाके कमरे में, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अभी नीचे बंदा आएगा, और वो भाई साहब, तो गाइस जैसा कि मैंने कहा था वो आ चुका है, वो देखिए गाड़ी में, और मैं प्रो हूँ ना, इसलिए आपको पता है मैं मोबाइल बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता हूँ, KKM का खासकर। देखो कैसे भरेंगे इसको, ये तो मेरी किस्मत थी यार, पता है मैं लिख के देता हूँ भाई, मेरी किस्मत थी, इधर मरना था। आप कुछ भी करो भाई, इतना भी प्रो नहीं हूँ मैं, यहाँ पे मेरा मरना पक्का था, लेकिन पता नहीं कैसे भगवान ने थोड़ा सा साथ दिया, हेलमेट मेरा वैसे भी चला गया है पूरा, और इसका टीममेट अभी तक नहीं आया, ठीक है। वो वहीं है, मतलब सामने वाले अपार्टमेंट में ही है, और जो दो बंदे हैं वो छत पे ही घूम रहे हैं अभी भी, ठीक है। वो पता है बहुत कूद रहे हैं, मैंने सोचा ऊपर चढ़ गए हैं उसके जो होती है सीढ़ियाँ उसके ऊपर वाले छत पे, या फिर जो पीछे होता है खिड़की उसके पीछे वाले जो छोटी सी जगह होती है ना खड़ने के लिए, जहाँ पे कैंपिंग करते हैं वहाँ पे। तो फिर मैं क्या सोचता हूँ, रश करते हैं, ठीक है। AKM की गोलियाँ तो मुझे मिली नहीं, इसलिए मैंने M4 पकड़ ली हाथ में, और बस फिर क्या, ऊपर जा रहा हूँ मैं ऊपर जा रहा हूँ, आपको दिख ही तो रहा है वैसे भी। बस यहाँ पे बस प्रो गिरी थोड़ी सी, मतलब फुटस्टेप देने हैं कि हाँ मैं नीचे ही हूँ। एक और स्मोक करने की कोशिश की पर नहीं, और मैं यहाँ से पता है क्या कर रहा था, यहाँ पे चेक कर रहा था मैं कि सामने वाला बंदा ना आ जाए, ठीक है, नीचे से और मुझे मार जाए। और ये ऊपर वाले इतने चलाके हैं, एक ही फुटस्टेप दे रहे थे कब से, और दूसरा फुटस्टेप दे ही नहीं रहा, ठीक है। और मैंने यहाँ से देखा, मतलब जो जैसे कि मैंने कहा जंप की आवाज़ आ रही थी, मैंने सोचा पीछे छुपा, तो मैंने यहाँ से थोड़ा TPP लेने की कोशिश की, और क्या, और ऊपर जा गया, बस चला गया, बस मतलब आप समझ लो यहाँ पे ऊपर जाना मेरा पक्का था, चाहे मैं कुछ भी करूँ भाई ऊपर तो जाना ही पड़ेगा भाई, मारना तो है बंदे को, ठीक है। तो अब देखना वो बंदा ही गलती कर देता है ऊपर वाला, देखना कितना प्रो है वो भी, मेरे से ज़्यादा प्रो है पता है, देखना अभी, ठीक है। और वो आ रहा है नीचे, ये देखिए, और भाई उसका टीममेट भाई इंस्टेंट कवर दे रहा भाई, मैं घुस गया,
बस और कुछ नहीं भाई, अब मैं घुस जाऊंगा उन पे जाके। पता है ना, यहाँ पे मेरा एम खराब था इसलिए मैं मर गया, और मतलब गेम खत्म हो गई और मैं हार गया। गाइज मुझे आउट्रो तो नहीं करना आता, पर चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे बढ़िया से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और गाइज कमेंट में जरूर बताइएगा BGMI के चैलेंजेस और आगे का कंटेंट क्या चाहिए।